आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप वीडियो क्लिप से किसी ऑब्जेक्ट को मास्क की सहायता से Adobe Premiere Pro में रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्लिप्स को इंपोर्ट कर लेते हैं और इसके बाद में क्लिप को टाइमलाइन में डाल लेते हैं। टाइमलाइन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और इससे ये जो ऑडियो क्लिप है इसको अनलिंक करके क्लियर कर देते हैं और इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब हमें ये जो इफेक्ट कंट्रोल पैनल दिखाई दे रहा है, इस पैनल में ये जो ओपेसिटी इफेक्ट है इसके अंडर में एक मास्क बनाना पड़ेगा। तो ओपेसिटी को सेलेक्ट करके यहाँ पे हम इलिप्स मास्क पे क्लिक करते हैं और ये जो ऑब्जेक्ट हमें रिमूव करना है इस ऑब्जेक्ट को अपने सिलेक्शन के अंदर में रखना है। अब ये जो मास्क पाथ है इसको ऑन करना है। आप चाहे तो यहाँ पे मास्क पाथ के जो ट्रैकिंग फैसिलिटी है Adobe Premiere Pro में इसका यूज कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो मैनुअली इस सिलेक्शन को सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इस सिलेक्शन को मैनुअली मूव करूँगा और जिससे ये जो की फ्रेम्स है अपने आप बनते जाएंगे। मास्क को आप छोटा भी कर सकते हैं। अब आप प्ले करके देख सकते हैं कि आपको जो ऑब्जेक्ट रिमूव करना है वो इस सिलेक्शन के दायरे के अंदर ही रहना चाहिए। अब यहाँ पे ये जो मास्क फेदर ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसमें आपको इसको फेदर देना है। फेदर आप अच्छी तरह से दे दीजिए, जैसे मैं 143 पे है। मास्क की ओपेसिटी आपको 100% पे रखना है और अगर आपका ये ऑब्जेक्ट फेदर देने के बाद में कट हो रहा है, जो कि इस क्लिप में हमारा नहीं हो रहा है, तो इसको एक्सपेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी अलग क्लिप में आपका जो ऑब्जेक्ट है ये इस सिलेक्शन से बाहर जा रहा है तो आप मास्क को यहाँ से एक्सपेंड कर सकते हैं और इसके बाद में आपको इन्वर्ट बटन पर क्लिक कर देना है। इन्वर्ट बटन पे क्लिक करके आप यहाँ पे फिर से प्ले करके देख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है जिसे हमें रिमूव करना है उसकी जगह पे ये एक ब्लैक स्पॉट दिखाई दे रहा है। अब हमें ये जो क्लिप है इसकी एक कॉपी बना लेनी है, तो एल्ट बटन प्रेस करके आप इसे अपर साइड में ड्रैग करेंगे तो इसकी एक कॉपी बन जाएगी। अब ये जो नीचे वाली क्लिप है इस क्लिप से इस मास्क को हमें डिलीट कर देना है, तो यहाँ पे मास्क वन सेलेक्ट कीजिए और डिलीट बटन प्रेस करके आप मास्क को डिलीट कर दीजिए। तो इस वक्त आपको इस प्रकार से लग रहा है जैसे हमने जो भी सिलेक्शन किया वो सारा डिलीट हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने जो सिलेक्शन किया है वो ऊपर वाली क्लिप पे मौजूद है। अब हमें रेजर टूल सेलेक्ट करना है और इस क्लिप को यहाँ से कट कर देना है और ये जो लास्ट पार्ट है इसको फर्स्ट में ले आना है और जो फर्स्ट पार्ट है इसको लास्ट में ले आना है, इस प्रकार से। और अब आप प्ले करके देखिए, विजिबिलिटी ऑन करके तो इस प्रकार से जो ऑब्जेक्ट था वो रिमूव हो गया है और ये एक यहाँ पे थोड़ा रह गया है। तो आप इस क्लिप को थोड़ा इस प्रकार से मूव कर दीजिए और इस क्लिप को भी यहाँ से मूव कर दीजिए, इसको यहाँ एक्सपेंड कीजिए। अब आप इस क्लिप को फुल प्रीव्यू में प्ले करके देख सकते हैं।
आपको जो ऑब्जेक्ट हटाना था वो इस क्लिप से हट चुका है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मास्क ऑन। फेदर वैल्यू 140 और इन्वर्ट। कॉपी बनाते हैं और नीचे वाले लेयर से मास्क पाथ को डिलीट कर देते हैं। यहाँ से कट कर देते हैं फर्स्ट क्लिप को लास्ट में, और लास्ट क्लिप को फर्स्ट में मूव करते हैं। तो इस प्रकार से आप वीडियो से किसी ऑब्जेक्ट को एडोब प्रीमियर प्रो में मास्क की सहायता से रिमूव कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।